नमस्कार बच्चों, कक्षा नवम में दो बैलों की कथा पाठ चल रहा था और आज हम पांचवा अंक पढ़ रहे हैं। पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा, फिर आप अनुकरण वाचन जब वीडियो खोलेंगे आपके पास किताब होगी, देखकर अनुकरण वाचन करेंगे और अनुकरण वाचन के बाद फिर जो काठिन्य निवारण मेरे द्वारा हुआ है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हां, पहले अनुकरण वाचन अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले आदर्श वाचन। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हां, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठठरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को का कौन खरीदार होता? सहसा एक चढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती ने, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? हीरा, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती ने कहा, हीरा तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल उछलता चपल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह अपना ही हार आ रहा है। इसी समय इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़े की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता है। Thank you.
सप्ताह तक दोनों बैलों को बिल्कुल चारा नहीं दिया गया। एक सप्ताह हो गया, किसी ने कोई चारा नहीं दिया। चारे का तृण, तृण जो है यह संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ हुआ तिनका। एक तिनका भी किसी ने नहीं डाला, क्षमा कीजिएगा, एक मिनट में आया। एक तिनका, तृण मैंने कहा तत्सम शब्द है, एक तिनका भी किसी ने नहीं डाला। मैं बार बार तत्सम शब्द कह रहा हूं, तो तत्सम का मतलब हुआ, वैसे आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में स्वीकृत किए गए, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। हां, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, उनको सिर्फ पानी एक बार दिखाया जाता था, यही उनके जीवन का आधार था, यानी इसी से वे जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल, दुर उपसर्ग है और बल मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय कोई नहीं है। दुर्बल इसका अर्थ हुआ कमजोर। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठठरियां निकल आई थी, यानी उनके जो हड्डियां थी, हड्डियों के ढांचे थे, जैसे सभी के हड्डियां ही मूल ढांचा है, उसी पर मांस और रक्त उसी के ऊपर रहता है और चमड़ा, तो हड्डियां तक, ठठरियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, डुग्गी पीटी जाने लगी, और होते होते, होते होते भी पुनरुक्त शब्द है, होते होते लिखा हुआ। तो दोपहर होते होते, अभी दोपहर हुई ही थी कि 50-60 आदमी, आदमी संज्ञा है और 50-60 विशेषण है, ये 50-60 जो है गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक। और ये गुणवाचक, तो 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, मित्र तत्सम शब्द है, दोनों मित्र वहां से निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी, सब उन्हें देखने लगे, लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना मुहावरा है, हल्का करना, कि ये उनके लायक नहीं है। जिनको खेत में जोतना था, जिनको काम करना था, जिनको बैलगाड़ी में जोतना था, जिनको बैलों को पालना था, वो अपना मन हल्का करके चले जाते थे। लेकिन जिसे पालना नहीं था वो कौन था देखिए, और लोग ऐसा कह के जाते, इस मृतक, मृतक भी मरे हुए जैसा, पर मृतक मतलब मरा हुआ जैसा, तो तत्सम शब्द है मृतक, तो यही कह के इस मृतक बैल को कौन खरीदेगा, चले जाते। सहसा मतलब यकायक एक दढ़ियल आदमी, दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी, आंखें संज्ञा है और लाल विशेषण, तो आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, चेहरे पर बड़ी कठोरता थी, एकदम चेहरे की मुद्रा देखकर लगता था जैसे चट्टान हो। आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली, उनके पीठ पर उंगली दबोट कर देखने लगा, मांस पहचानने लगा, देखने लगा कितनी मांस है, गोद कर मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान यानी भीतर के ज्ञान से ही, अंतर्ज्ञान भी, अंतर्ज्ञान शब्द ये संस्कृत का है, अंतर्ज्ञान से, भीतरी ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा, दिल कांप उठना भी मुहावरा है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ, दोनों एक दूसरे को भीत नजरों से, भीत मतलब डरे हुए नेत्रों से, भीत भी संस्कृत शब्द है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा,
कि बेवजह गया के घर से भागे, जैसा भी था वहां जिंदा तो रहते, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा, अश्रद्धा, श्रद्धा शब्द क्या है, श्रद्धा शब्द सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। तो इसका अर्थ मैं बता रहा हूं आपको कि जब हम किसी महापुरुष को, महान व्यक्ति को, महान चित्र को, महान पुस्तक को, किसी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हृदय में सोया हुआ एक भाव है जो जाग जाता है, हम उसको नमन करते हैं, इसी भाव को श्रद्धा बोलते हैं। लेकिन यहां श्रद्धा का विलोम है अश्रद्धा के भाव से। मोती ने उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मैंने फिर कह रहा हूं मैं कि बैल यहां पर भारतीयों के प्रतीक है, समस्त भारतीयों की यही स्थिति थी कि उन पर अत्याचार अन्याय होता रहता था, उन्हें हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता था, लंबी लगाने ली जाती थी, सारे लोग यही सोचते थे कि भगवान हम पर दया नहीं करता, क्यों नहीं करता। और जो हीरा मोती दोनों बैल हैं, ये तो क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं, इनके मुख से भी ऐसी ही बातें निकल रही हैं। हीरा कहता है भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, जीना मरना, जीना और मरना द्वंद समास, तो भगवान के लिए तो हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, हम जिए या मरे इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, अगले जन्म तक भगवान के पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। देखिए इस पंक्ति से हमें क्या संदेश मिलता है कि अंतिम समय तक हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम अंतिम समय तक हो सकता है कि लीला देखो नारायण की, क्षमा करें आन का तान, हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा आधार आ जाए कि जिससे हम अपने आप को फिर से उबार लें। कभी निराश नहीं होना चाहिए अंतिम अंतिम समय तक। ये देखिए क्रांतिकारी सबके प्रतीक ये दोनों बैल, हीरा और मोती, अभी तक उन्होंने उम्मीद का दामन पूरी तरह छोड़ा नहीं है। कहते हैं पहले बचाया था, क्या पता किस रूप में आ जाए। यह आदमी छुरा चलाएगा देख लेना, मोती ने कहा। हीरा कहता तो क्या चिंता, चिंता भी संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम। मांस खाल सीन हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, दोनों की बोटी बोटी, बोटी बोटी पुनरुक्त शब्द है, बोटी बोटी कांप रही थी, बोटी बोटी कांप रही थी, अंग अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा से भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में, मतलब रास्ते में, गाय बैलों का एक रेवड़, हरे हरे हार, हरे हरे में विशेषण है हार, हरे हरे पुनरुक्त शब्द है, हरे हरे हार मतलब चारागाह था, में चरता नजर आया गाय बैलों का एक झुंड। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, चंचल थे, कोई उछल रहा है, कोई आनंद में बैठा पागल कर रहा था। कितना सुखी था उनका जीवन, पर कितने स्वार्थी हैं सब। हमारे देश में उस समय अधिकांश लोग ऐसे ही स्वार्थी थे, कुछ लोग जो क्रांति करते, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते, विद्रोह करते, बाकी के लोग अपने में ही मस्त रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। कुछ तो यहां तक भी कहते थे अरे अंग्रेजी राज का सूरज कहीं डूबता है, क्यों उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सारी दुनिया में अंग्रेजी राज है। तो ये सब बड़े स्वार्थी लोग थे, कायर लोग थे, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। भाई शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, दो विशेषण है।
सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यही खेत वही बाग, वही खेत वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता। दुर्बल शब्द मिलता प्रत्यय लग गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, इसका अर्थ हुआ कमजोरी, गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया, अपने खेत आ गए। इस कुएं पर हम पुर चलाने आते थे, कुएं पर उस समय सिंचाई के लिए कुएं ही साधन होते थे, तो उसमें पुर चलाया जाता था। पुर ऐसा होता था कि उसमें रस्सी बांध करके पानी खींचा जाता था। एक आदमी वहां उस कुएं के उस पर खड़ा रहता था, पानी निकाल के फेंक गिरा देता, बैल कुएं के चारों तरफ घूमते थे। तो इस प्रकार से पुर चलता था और बैल ही खींचते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी नजदीक। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा? हीरा ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए खेलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर, थान मतलब स्थान, स्थान पर खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे 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 पुंडुक शब्द है, दौड़ता चला आता था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आज आपको ये विशेषण शब्द, पुनरुक्त शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द वाले तत्सम शब्द और सामासिक शब्द, ये सब आपको जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं। और साथ ही आज का जो गृह कार्य है, पाठ में आए समस्त पदों को छांटकर उनका विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। छाट कर उनका विग्रह करें समास का नाम लिखें। ये आज का गृह कार्य है और मुझे लगता है कि 15 से 20 समस्त पद होंगे, उन सभी को छांटना है, उनका विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।